ए सुनो। हाँ, तुम ही से बात कर रहे हैं। तुम बहुत भाव खा रही हो ना। हाँ, तुम बहुत भाव खा रही हो। पता है, मैंने ऑस्कर लव गुरु का ना वीडियो देखा, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में बताया। पता है उसने क्या बताया? कि अगर तुम्हारी बंदी मतलब गर्लफ्रेंड ज़्यादा भाव खाए ना, तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो। हाँ, और कुछ दिन वेट करना, ठीक है? उसके बाद खुद वह भाव देगी। तो तुम कब तक भाव दोगी? हाँ, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल ही फॉलो कर रहा हूँ। कब तक भाव दोगी? 3 बजे तक दे दोगी? अच्छा, तो 3:30 बजे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बकचोदी मत करना भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब यार? आज का टॉपिक है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे पहले से कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल होता क्या है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग तो जान ही जाएंगे ये वीडियो पूरा देखने पे। लेकिन रिक्वेस्ट उन लोग से भी करूँगा जो पहले से जानते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या होता है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से बताऊँ। मतलब कंटेंट वही रहेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा कुछ अलग रहेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं। वो लोग सोचते हैं कि हर चीज़ में नो कॉन्ट्रैक्ट रूल लागू हो जाएगा। अरे, ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है? मतलब कुछ क्लाइंट्स मुझे कॉल करते हैं, कुछ इंस्टा पे मैसेज करते हैं, उनको कुछ मैं बताता हूँ तो मैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूँ। अरे भाई, उसका भी तरीका होता है। ऐसा नहीं होता आँख में पट्टी बांध दिया, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल पट जाएगी, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इंप्रेस हो जाएगी, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल वापस आ जाएगी, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल एक्स वापस भीख मांगेगा। ऐसे नहीं होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है? ये भी एक कुछ सिचुएशन वैसे होते हैं तभी ये अप्लाई होता है, ठीक है? तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरा देखना भाई, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करो। तो सबसे पहले जानते हैं कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल होता क्या है। नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब नाम में ही है, नो कॉन्टैक्ट मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, ठीक है? तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, यानी कि पहले कॉन्टैक्ट था। अब पहले कॉन्टैक्ट क्यों होगा? मतलब या तो रिलेशनशिप में ही होगे, ठीक है? मतलब पहले रिलेशनशिप में थे या अभी भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है? लेकिन अभी रिलेशनशिप में होने के बावजूद मजबूर हो कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूं, ठीक है? होता है ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप टूट गया तब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करा। नहीं, विद इन रिलेशनशिप मतलब कि ऑन गोइंग रिलेशनशिप में भी ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कुछ मन मुटाव चलता है, पार्टनर तुमसे बात नहीं कर रहा है, ये मैं आगे बताऊँगा, ठीक है? तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का मतलब तुम लोग समझ गए। अब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्यों फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और क्यों लोग फॉलो करते हैं, ये सुनो यार। देखो, स्टार्टिंग में जो कपल्स होते हैं, ठीक है, जो कपल होते हैं रिलेशनशिप में, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है? मतलब हर चीज़ पॉजिटिव स्टार्टिंग में। मतलब दो दो घंटा कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है? मतलब फट से रिप्लाई देना स्टार्टिंग में। धीरे धीरे ना कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का वैल्यू कम करने लगता है, ठीक है, हल्के में लेने लगता है, या दोनों पार्टनर एक दूसरे को मतलब उतना मज़ा नहीं रहा रिलेशनशिप में, ठीक है? तो ज़्यादातर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का कद्र कम करने लगता है। या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कद्र कम करने लगेगा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कद्र कम करने लगती है। ये वाइफ हस्बैंड में भी मान सकते हैं, होता है, ठीक है? मैं अनमैरिड हूँ इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वाइफ हस्बैंड में लागू होता है कि नहीं, होता है, ठीक है? मेरे कई क्लाइंट्स मैरिड भी हैं जो मुझे कॉल करते हैं, उनको मैं ये टिप्स देता हूँ, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का काम हुआ है, रिजल्ट्स बहुत क्या हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अनमैरिड लोगों पे मैं बता सकता हूँ, ठीक है? तो सुनो, तो रिलेशनशिप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा चलता है, ठीक है? प्यार से बात करेंगे, ठीक है? मतलब कि नेगेटिविटी तो कहीं दिखेगी नहीं दूर दूर तक। लेकिन जैसे टाइम गुजरेगा, ठीक है, एक दूसरे की औकात दिखने लगती है, ठीक है? मतलब कि अंदर मतलब खुली किताब होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है? हर पन्ने खुलते जाते हैं। स्टार्टिंग में तो बंद किताब थे तो खोलने का बड़ा ही एक्साइटमेंट रहता था। धीरे धीरे अपने पार्टनर को समझने लगते हैं, उसकी कद्र कम करने लगते हैं, ठीक है? तो कद्र सामने वाला कद्र कम कर रहा है, वो कद्र वापस बढ़ाने के लिए अपने पार्टनर के नज़र में खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए लोग नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में क्या होता है ना कि आपका पार्टनर स्टार्टिंग में प्यार करता है, स्टार्टिंग में प्यार करता था, ठीक है, वैल्यू भी करता था, आपकी इज्जत करता था, लेकिन तुमको वो समझ गया,
अंदर अंदर से, मतलब तुम हर समय उसका कॉल उठा लेते थे फट से, तुरंत रिप्लाई दे देते थे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू कम हो गई। तो इसमें क्या होता है ना, आप उससे गैप कर लेते हो, ठीक है, उससे गैप कर लेते हो, मतलब कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं। इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वो लोग क्या बोलते हैं कि कोई कॉल कोई मैसेज मत करना, ना रिसीव करना। लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ कि स्टेटस भी मत देखना, मतलब कि कॉल मत रिसीव करना, ना कॉल करना, ना मैसेज मतलब रिप्लाई देना, ना मैसेज करना खुद से, ना स्टेटस देखना, ना स्टेटस दिखाना। हाँ, स्टेटस दिखाना भी नहीं है, व्हाट्सएप पे म्यूट कर देना, मतलब उसका तो देख नहीं पाओगे, और अपना क्या करना ना, वो कॉन्टैक्ट में उसको हटा देना, प्राइवेसी मार लेना, ठीक है। प्राइवेसी हर चीज़ में मार सकते हैं, इंस्टा पे भी मार सकते हैं, फेसबुक पे मार सकते हैं, और व्हाट्सएप भी मार सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपका पार्टनर जो आपका वैल्यू कम कर चुका है, वो तो आपको हल्के में ले रहा है, लेकिन आप उसको दिख रहे हो, वो आपको हल्के में ले रहा है फिर भी आप उसको दिख रहे हो, उसके नज़र में हो, मतलब कि आपका स्टेटस देख रहा है कि हाँ चुतिया जिंदा है, ठीक है, तो आपकी और वैल्यू कम करेगा वो, ठीक है। प्यार है, ऐसा नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट है अभी भी, लेकिन कद्र नहीं है। तो आप क्या करोगे ना, ना उसको मैसेज करोगे, ना कॉल करोगे, ना उसका स्टेटस देखोगे, ठीक है, तो उसको ये लगेगा कि साला दिख कहाँ, दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ चला गया। क्योंकि देखो, कभी तो प्यार करता ही था, अभी भी कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, भाव कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, ईगो पे वो मतलब सब कुछ नौटंकी कर रहा है, ठीक है, तो आपको वो खोजेगा, ठीक है, वो तरस जाएगा, दो दिन पेशेंस रखेगा, धैर्य रखेगा, एक हफ्ते तक धैर्य रखेगा कि अरे स्टेटस नहीं दिख रहा है, इसका क्या है। लेकिन पता है मन में उसकी खुजली होगा कि साला ये गायब कहाँ हो गया। तो अब तुम लोग को लगेगा कि आप लोग को लगेगा कि साला एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा क्या, नहीं, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आप लोग का रिलेशनशिप की इंटेंसिटी क्या है। कुछ लोगों के पार्टनर दो दिन में उसको भाव देने लगेंगे, अरे तेरा स्टेटस नहीं दिख रहा है, अरे तू कहाँ है, आजकल कॉल नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना। कुछ लोग का नो कॉन्टैक्ट का रिजल्ट दो दिन में आता है, कुछ का एक हफ्ते में आता है, और एक और बात बोल रहा हूँ, कुछ लोग का एक एक साल तक आता है, मैंने देखा है, ठीक है, मैंने देखा है, एक साल के बाद भी रिलेशनशिप आता है, मतलब कि रिजल्ट आता है, तुम समझ रहे हो। बहुत लोग क्या है ना, हिम्मत हार जाते हैं, दो दिन तक घींच घाँच के वो पेशेंस रखेंगे, ठीक है, उसका तीसरा दिन बोलेंगे घंटा का नो कॉन्ट्रैक्ट। ये लोग यूट्यूबर साले चुतिया बनाते हैं, काम वाम तो साला होता नहीं है नो कॉन्ट्रैक्ट। भाई नो कॉन्ट्रैक्ट रूल ये नहीं होता है कि साला, कुछ लोग नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या सोचते पता है, कि इंस्टा पे अनफॉलो कर दो, ठीक है, उसका, अरे उसमें तो तुम ये दिखा दिए ना कि तुमको उसको उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में क्या करते हैं लोग, ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक मत करो, ब्लॉक कर देने से ये लगता है कि तुम अभी भी अंदर एक घाव लिए बैठे हो। अब घाव लिए बैठे हो मतलब हो गया कि अपने अंदर एक उसके लिए ख्याल लेके बैठे हो, ठीक है, एक दुख दर्द लेके बैठे हुए हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है, मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ, लड़के को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी देख रही हैं, आप मान लो मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, आप मेरी कद्र कम कर रही हो, मतलब कम की हो, मेरी वैल्यू नहीं दे, मुझे वैल्यू नहीं दे रही हो, ठीक है, तो मेरे को आया गुस्सा, ठीक है, कि यार इतना पहले तो बहुत अच्छे से बात करती थी, 10-15 दिन से ये एटीट्यूड की क्यों दिखा रही है ये वो, ठीक है। हो सकता है कि आप नेचुरल वे में मेरी कदर नहीं कर रही हो, या फिर जानबूझ के एटीट्यूड दिखा रही हो, उस वे में कम नहीं कदर नहीं कर रही हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, मेरे को आया गुस्सा, तो मैंने कर दिया ब्लॉक, भाड़ में जाए, इतना भाव खा रही है, ठीक है, मैंने कर दिया ब्लॉक। अब ब्लॉक करके मुझे लग रहा है कि अब वो तरपेगी, घंटा तरपेगी, उसको तो तुम खुजली दे दिए भाई। आपका पार्टनर आपकी आपको मतलब कि वैल्यू नहीं दे रहा है आपको, और आपने उसको ब्लॉक कर दिया, तो अपने अंदर का घाव दिखा दिए, उसको खुजली मच गया कि अरे इसने मुझे अभी ब्लॉक कर दिया, यानी कि ये तब से मेरे बारे में सोच रहा था, इसलिए इसने मुझे अभी ब्लॉक किया, समझ रहे हो ना। क्योंकि अचानक तुम ब्लॉक कर दिए, यानी कि कन्विंसिंग नहीं लगा, मतलब ये जो एक्शन तुमने किया ब्लॉक अचानक, ठीक है, तो उसको तो खुजली मिल गया ना भाई, उसको तो खुजली दे दिए। अब खुजलाने में कितना मजा आता है, खुद की खुजली
मतलब खुजलाने में कितना मज़ा आता है, समझ रहे हो ना, मतलब खुजला खुजला के लाल हो जाए लेकिन मज़ा तो आता है, ठीक है। तो ब्लॉक मत करो, बहुत लोग इंस्टा पे अनफॉलो कर देते हैं, अरे भाई नहीं समझे नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे काम कैसे अप्लाई करना पड़ता है। सुनो, ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, जो भी मतलब पहले का सिचुएशन अच्छा हो, अच्छा रिलेशनशिप हो या खराब रिलेशनशिप हो, वहीं स्टॉप मारो, वहीं स्टॉप मारो, झटका दो, ठीक है। अब ये नहीं कि ए सुनो, हाँ हाँ तुम ही से बात कर रहे हैं, तुम बहुत भाव खा रही हो ना, तुम बहुत भाव खा रही हो, पता है मैंने ऑस्कर लव गुरु का ना वीडियो देखा, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में बताया, पता है उसने क्या बताया कि अगर तुम्हारी बंदी मतलब गर्लफ्रेंड ज़्यादा भाव खाए ना तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो, हाँ, और कुछ दिन वेट करना, ठीक है, उसका खुद वो भाव देगी। तो तुम कब तक भाव दोगी, हाँ नो कॉन्ट्रैक्ट रूल ही फॉलो कर रहा हूँ, कब तक भाव दोगी, 3 बजे तक दे दोगी, अच्छा तो 3:30 बजे, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये बकचोदी मत करना भाई, समझ रहे हो। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि नो कॉन्टैक्ट रूल तभी फॉलो करना होता है जब रिलेशनशिप एकदम लड़ाई झगड़ा जब चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, ठीक है, ब्रेकअप होने के कगार पे है, तभी फॉलो किया जाता है। नहीं भाई, अगर समझदार होंगे ना, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग समझदार होंगे, ठीक है, तो कुछ हैं अच्छे खिलाड़ी होते हैं जो नो कॉन्टैक्ट रूल का सही यूज़ करते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप जब अच्छा भी चलता है ना, लेकिन वो जैसे LIC नहीं करते हैं, मतलब वो जीवन बीमा, ठीक है, कि फ्यूचर को सेफ रखना है, उसी तरह ये लोग रिलेशनशिप को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं ना, कुछ लोग अच्छा रिलेशनशिप के बीच में भी कभी कभी झटका देते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो अब मैं क्या करूँगा ना, अच्छे से बात हो रहा है, जानू मानू सोनू जो भी है, ठीक है, मेरे बाबू ने टाना है, बहुत अच्छे से प्यारी प्यारी बातें चल रही है, लेकिन अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, फिर भी मैं बीच में ना उसका स्टेटस देखना बंद कर दूंगा 2 दिन, अचानक उसका कॉल लेना बंद कर दूंगा, कॉल करना बंद कर दूंगा, मैसेज का रिप्लाई या तो देना एकदम बंद कर दूंगा, नहीं तो लेट रिप्लाई दूंगा, चलो देना ही बंद कर दूंगा, ठीक है। तो उसको ये लगेगा, यार ये अचानक क्या हो गया, ये मतलब अचानक बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं होगा। देखो, अगर लड़ाई झगड़े में कोई रिप्लाई ना दे, कोई कॉल ना उठाए, कोई मतलब स्टेटस ना देखे, तो समझ में आता है, हाँ यार वो अभी लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है वो नहीं देखेगा। लेकिन जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और उस दौरान तुम अगर उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तब उसको कुछ कन्विंसिंग नहीं लगेगा, उसको बात पचेगी नहीं, तो बात पचेगी नहीं ना, तो उसको भी खुजली मचेगी, तो तुमको पूरा वो भाव देगी या तुमको पूरा भाव देगा, और अंदर से तो तुम खिलाड़ी हो, तुमको तो गेम तो तुम ही खेल रहे थे, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार ऐसे नहीं तड़ पाना चाहिए, तो भाई रिलेशनशिप को सेफ रखने के लिए तो कुछ तो यार करना होगा ना, ठीक है, आजकल पता है फट से ब्रेकअप हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे फॉलो किया करना होता है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल, साला बार बार कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ मैं, जो ठीक है, तो ऐसे फॉलो करना, ठीक है। अब तक आप लोग बहुत खुश हो गए होगे कि अरे यार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल बहुत अच्छा बताया, अब इसको मैं फॉलो करूँगा। भाई सुनो, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो मतलब करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता, अप्लाई भी कर लो रिजल्ट नहीं देगा, जैसे मैं बताता हूँ। पहला कंडीशन जिसमें फॉलो मतलब जिसमें काम नहीं करता है, मान लो कि मेरी क्रश है दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ या हॉलीवुड की एमा वाटसन, ठीक है। अब मैं बैठे बैठे इधर बोलूँगा यार एमा वाटसन मुझे भाव नहीं दे रही है, क्या करूँ, चलो मैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करता हूँ, यहाँ दिल्ली में एक ये रूम में बैठ के मैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूँगा, और उधर हॉलीवुड में एमा वाटसन उधर मतलब वो भाव देगी मुझे, क्या करेगी, कॉल करेगी, हेलो ऑस्कर लव गुरु, हाँ तेरी वीडियो देखी अरे इतना नाराज़ नहीं होते यार, चल चल कल मिलते हैं, ओके, ठीक है भाई। इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, वो बंदा आपको मतलब रिलेशनशिप में पहले होना चाहिए, वो जानेगा तभी तो, ठीक है। अब एमा वाटसन मेरे को जानती है, और वो जान भी जाएगी क्या, भाव देगी, आप समझ रहे हो ना। ये नहीं कि अब चलते फिरते आपको कोई लड़की पसंद आ गई जी, सुनिएगा, आप बहुत पसंद हो मुझे, अब वो बोलेगे चल हट, तब बोले एटीट्यूड, अब मैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूँगा,
और तू मेरे पास आएगी। अरे वो ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, ठीक है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब इसलिए तो रिलेशनशिप के लिए ही रखते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन ये भी है कि मान लो कि आप ही की गलती है, मान लो मैं बॉयफ्रेंड हूँ और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पूरा गाली दिया, उसको मैंने मारा पीटा, ठीक है, और फिर ऑब्वियसली बात है वो मेरे से बात नहीं करेगी, फिर मैं क्या बोलूँगा, बात नहीं करी है, चलो मैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूँगा, तू मेरे से फिर बात करेगी। अरे नहीं, गलती आपकी है, आप नेगेटिव हो, आप विलेन हो गए, ठीक है, अब मेरी ही गलती है, मुझे तो माफ़ी मांगनी चाहिए, उल्टा मैं ही नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूँगा तो दूरी तो और बनेगी, ठीक है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अब उसी वही फॉलो कर सकता है, ठीक है, जिसकी गलती है लेकिन हल्की गलती है, मतलब वो पॉजिटिव साइड में, ठीक है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये नहीं कि मैं नेगेटिव हूँ, मैंने ही सब कांड कर लिया, उसका मैंने पूरा नुकसान किया, ठीक है, और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ, घंटा घंटा रिजल्ट आएगा भाई, ठीक है।